है। ये अपनी माँ के सीने पे नहीं लेट सका है। खुदा इन लोगों को गरक कर दे। ना मेरे को इजाजत, ना उन्होंने कोई मेरे को साइन किसी को नहीं देते। फिर उन्होंने बस ऑपरेशन 18 मिनट से ऑपरेशन ही कर देता। डॉक्टर फरूक ने किया जी। तानू एक नू पता चलता है कि तुम्हारी बेटी जड़ी है वो डेथ ही हो चुकी है। मैंने जब मुड़ के देखा तो वो मेरी बेटी मेरे सामने मेरे चलते हुए जा रही है और मेरी बेटी की मय्यत मेरी आंखों के सामने। मुझे बहुत झटका लगा। मैंने बहुत टॉर्चर कर रहे सन कि बार बार एम्बुलेंस का मैंने कह रहे सन। मैंने डबल 1 डबल 2 वालों को फ़ोन किया, उन्होंने भी सॉरी कर दिया। हाथ पकड़ के मुझे बोला कि आप ऐसा करें, मेरे से गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। ये डॉक्टर फरूक ने एतराफ़ किया। बिल्कुल एतराफ़ किया। जो भी डॉक्टर बैठे वो कसरी है, मैं नहीं मानती वो डॉक्टर है। हमें इंसाफ ना मिला हम हॉस्पिटल को आग लगा देंगे, ये कह रही हूँ मैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। आप ऐसे ही कोई केस खराब हो जाए या डेथ हो जाए तो आप उनके घरों में जाते हैं, उनको ऑफर करते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। इन्होंने मुझे ये बोला है कि जो भी हुआ है आप मेरे भाई को माफ कर दें। ये आपका चीर फाड़ भी करते हैं और आपकी जेब से पैसा भी लूट लेते हैं। तो लीजिए जनाब, सुल्तान पार्क मुरीद के उस मजलूम फैमिली के साथ मौजूद हैं कि जिनकी 23 साल बहू जिसकी ताज़ा शादी हुई पिछले साल ही और उसका पहला बच्चा था, जिसकी डिलीवरी के लिए इन्होंने रब्ता किया यहाँ के एक मुकामी हस्पताल आबदा हॉस्पिटल, गायनी हॉस्पिटल उसका नाम है। तो मेरे साथ उस बच्ची अक्सा के ससुर मौजूद हैं, उसकी सास मौजूद हैं, जो उस वक्त भी मौजूद थे कि जब उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके गए और आगे क्या मामला हुआ। सबसे पहले अक्सा की सास से बात करते हैं। माँ जी, मैं दसो कि जिस टाइम तबीयत खराब होती है तो तुसी अक्सर नू लैके केड़े हॉस्पिटल जाते हो? आबदा गायनी। अच्छा, फिर की होंदा उत्थे जाके? उत्थे जाके उन्होंने क्या चेक वगैरह कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या जी बच्चे का जरा नाड़ू उहदे गले च फसया है तो पानी की कमी है तो तुसी इहदा ना ऑपरेशन असी करना। मैं उन्होंने कहा मैं कह रहा तो नॉर्मल दसिया सी, कह लगे नहीं इहदा ऑपरेशन करना। उन्होंने मैनू कोई उन्होंने ना मेरे को इजाजत, ना उन्होंने कोई मेरे को साइन किसी को नहीं दिते, ना उन्होंने कि नाले पूछा कि भी इहदा ऑपरेशन कर। हाँ इन्होंने यह कहा बाद चो के भी इहदा जरा ना BP हाई है। फिर मैं उन्होंने कहा मैं ठीक है। उन्होंने चेकअप वास्ते लैके अंदर कितने गए ने मैनू नहीं पता, लेकिन 2 नर्सा अंदरों हसदियाँ निकलियां ने। अच्छा। मैं उस वक्त बहुत अजीब जहा महसूस होया है कि भी यह क्यों हस रही है, नहीं किसी परेशान इन्होंने सू परेशान कर दिता है, यह क्यों हस रही है, हालत हस रही है। हाँ जी। अच्छा। फिर उन्होंने बस ऑपरेशन 18 मिनट ऑपरेशन ही कर देता। डॉक्टर फरूक ने किया। हाँ जी। नहीं तो डॉक्टर फरूक ने तुहाडे को पहले इजाजत ली कि मैं मेल डॉक्टर ऑपरेट कर दे, गायनी दा केस है। नहीं तुसी ऐसा समझ रहे हो कि लेडी डॉक्टर जड़ा ऑपरेट करेगी? हाँ जी, मैं यही कहती कि लेडी डॉक्टर वो करेगी। अच्छा। लेकिन वो पता चलिया कि भी मुजाहिद ने किया वे। अच्छा। फरूक। हाँ। ते उन्हें कोई मतलब मेरे को इजाजत नहीं, कुछ नहीं उन्होंने किया। 18 मिनट मैं खुद हैरान हो गई कि 18 मिनट किस तरह ऑपरेशन हो जाता है। तुहानू ये कदों पता चलता है कि तुम्हारी बेटी जड़ी है, जड़ी बहू है अक्सा, उसकी डेथ ही हो चुकी है? हाँ जी। वो बस जो सानू उन्होंने कहा ना कि तुसी एम्बुलेंस लैके आओ, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो। मैं क्या भाई की हो कह तुसी बस एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो, जल्दी बंदोबस्त करो। मैंने बहुत टॉर्चर कर रहे सन कि बार बार एम्बुलेंस का मैंने कह रहे सन। मैं फिर कहते डबल 1 डबल 2 वाले ने कहा, मैं क्या भाई इस तरह उन्हें क्या कि मैडम हम ये शेखुपुरे से लेकर मुरीद के तक हमारी हुजूर है। आप जब हॉस्पिटल के अंदर थी, डॉक्टर फरूक ने ऑपरेट किया, उसके बाद डॉक्टर फरूक कहाँ गायब हो गया? आपसे ये सारी बातें कौन कर रहा है? डॉक्टर फरूक कर रहा है? नहीं, दूसरा कर रहा था। डॉक्टर गायब हो गया, डॉक्टर फरूक फौरन ऑपरेट करके गायब हो गए। गायब हो गया, मुझे पता नहीं चला। मिशन कंप्लीट हो गया जनाब। उन्होंने जो चीज फाड़ करना था वो भी किया, बगैर इजाजत के पैसे भी बटोरे, बाद में स्टाफ ने इनसे बख्शिशें भी ली और अपनी जेबें भरी और साथ ही इनको कह दिया जनाब पेशेंट हो गया, ओके एम्बुलेंस ले आओ। तेनू किथे ले जाओ? कह रहे लेडी। अच्छा, लाहौर ले जाएं? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर जब ये बहुत यानी काफ़ी टाइम लग गया, मैंने डबल 1 डबल 2 वालों को फ़ोन किया, उन्होंने भी सॉरी कर दिया। आपको क्या पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है? उसकी मुझे जब ये बच्ची को बाहर लेकर आए ना एम्बुलेंस, जब हो गया बंदोबस्त काफ़ी टाइम के बाद, फिर जब इन्होंने बच्ची आगे से मेरे से लेके जा रहे ना, तो मैंने उसका जब पेट इतना बड़ा देखा ना, अच्छा, तो पहले तो मेरा वही समझो कि मैं परेशान हो गई थी, ये क्या हो गया है। तो वो फिर जब एम्बुलेंस में डाला है ना उन्होंने, तो वो हवा गाड़ी जब ज़ाहिर एम्बुलेंस चली है, वो हवा से कपड़ा उड़ा, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके ना, अच्छा, मैंने यूं करके देखा, आगे से पीछे देख रही हैं, मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी बच्चे को लेके, मैंने जब मुड़ के देखा तो वो बस, मतलब कि आपको ऐसे लगा कि इसकी डेथ हो गई। अच्छा, लेडी विलिंगटन जब वो लेके जाते हैं, लाके साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुसर हैं अक्सा के, आपको जब पता चल गया जी ये सारी फैमिली जो है खवातीन ही थी वहाँ पे कि जो कार्रवाई हुई, तो आप फिर हॉस्पिटल गए? रात को जब मैं अपनी बेटी को लेके घर पे आया हूँ, मैं रात को दोबारा हम 5-6 जिन्हें मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरा छोटा भाई, मेरा दामाद और 2-3 बंदे और से हम लोग डॉक्टर के पास गए, क्लिनिक में वो बैठा हुआ था, डॉक्टर फारूक के पास वहाँ बैठा हुआ था। ठीक, मैंने अंदर जाके उनसे सलाम दुआ ली है, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है कि साहब अब मेरी बेटी जब यहाँ पे आई है, मेरी बेटी की कंडीशन कैसी थी? हाँ। उन्होंने मुझे कहा जी कि जब आपकी बेटी आई है तो उसका ब्लड हाई था। अच्छा, तो मैंने इनको बोला है कि नॉर्मल नहीं होगा, केस ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला डॉक्टर साहब आपने ऑपरेट किया है, हाँ, आपको इजाजत किसने दी है? हाँ, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने, मेरी बीवी ने या मैंने? बोला जी किसी से इजाजत नहीं ली है। मैंने बोला ये आपने गलत किया है। जब मैं गुस्से में हुआ मैंने उसको डांटा भी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे बंदे का गला दबा दूं और मार दूं ऐसे बंदे को। एक मेरी बेटी मेरे सामने मेरे चलते हुए जा रही है और मेरी बेटी की मय्यत मेरी आंखों के सामने, मुझे बहुत झटका लगा। फिर मैंने जब उसको बोला तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मुझे बोला कि आप ऐसा करें, मेरे से गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दें। ये डॉक्टर फारूक ने इतराफ किया? बिल्कुल इतराफ किया। और अच्छा, मैंने उसको बोला, उसकी गवाह मेरी बहन है, मेरा वहाँ पे भाई साहब वो मौजूद था, उसके सामने ये बात हुई है, कुछ बंदे थे मेरे साथ उनके सामने ये बात हुई है, तो आप ऐसा करें कि आप मेरे से बैठ के बात करें, आपका जो नुकसान हुआ मैं पूरा कर दूंगा। मैंने बोला कि आपने मेरी बेटी को मार दिया और मुझे कह रहे कि माफ कर दो। उसके भाई ने मुझे ये बोला कि जिस टाइम मेरा भाई मेरे आपकी बेटी का ऑपरेट कर रहा था, हाँ, आपकी बेटी को अंदर अटैक हुआ है। अच्छा, मैंने कहा अगर मेरी बेटी को उस टाइम अटैक हुआ है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? हमें को नहीं बताया जा रहा, मैं अपनी बेटी को लाहौर ले जाता। हाँ, यही पैसों की जब बात होती है तो वो 2000 रुपए आपका अगर कम होता है तो ऑपरेट शुरू नहीं करते। ठीक है, और वहाँ पे बड़े बासूल होते हैं कि जी एक हॉस्पिटल चला रहे हैं हम, आप पेमेंट करेंगे तो हम उसका इलाज शुरू करेंगे। ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि उसकी हालत बड़ी खराब है। मुझे वो कागजात बताए ना जो उन्होंने आपको दिए हैं, क्योंकि सुनने में यह है कि वो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बना दिया, मुझे अपनी तरफ से जिंदा बची नहीं। आपको बताता हूँ ये मेरे पास नाजरीन, ये यहाँ पर आबदा गायनी एंड जनरल सर्जिकल हॉस्पिटल का वो एक फॉर्म जो होता है, जो नॉर्मली आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो एक इजाजतनामा होता है, जो वरसा होते हैं साथ या जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे इजाजत ली जाती है। ये मेरे हाथ में है, ये जनाब 22/8/2023 का है, जिसके ऊपर एज लिखी हुई है 26 साल, जबकि अक्सा की जो एक्चुअल उम्र है वो 23 साल है। अगर इनसे पूछ के लिखा जाता तो यहाँ पे एज भी 23 साल ही लिखी जाती। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो सिग्नेचर हुए हुए हैं जिसमें वो बताया जा रहा है कि किससे इजाजत ले रहे हैं। यहाँ पर अक्सा का जो नाम है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको पता था पेशेंट का नाम, मगर जो रिलेटिव के सिग्नेचर यहाँ पे हुए हुए हैं वो रिलेटिव का नाम भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है उनके किसी रिश्तेदार की मौजूदगी में ना तो इसको फिल किया गया है, ना ही उनकी इजाजत से ये ऑपरेट किया गया है। जनाब यहाँ से बढ़ते हैं कि ये नेग्लिजेंस है, उन्होंने यहाँ से सी सेक्शन जो किया उसके बाद वो ऑपरेट जो है वो कामयाब नहीं हो सका। जो मैं अपनी बच्ची को मुंशी हॉस्पिटल में उसका डिटेल चेक करवा रहे थे हम लोग, उसकी रिपोर्ट ये है, उसमें उस बच्ची की रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई ऑपरेट का नहीं है, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल में है। ये जनाब मियां मुंशी से नॉर्मल जो चेकअप होता है किसी भी डिलीवरी से पहले, ये सारी वो रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट एज 23 साल लिखी हुई है, और बीपी और सारी चीजें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई हैं। ये मियां मुंशी हॉस्पिटल लाहौर का जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास मौजूद हैं। और जनाब अब करना क्या है, आपने फिर महकमा सेहत में जाके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, कोई पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैं आपको बताता हूँ कि वो यहाँ पे काफी अरसा दराज से यहाँ पर उनके अक्सर रसूख हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे थाने पे रिपोर्ट नहीं की है। अच्छा, मैंने हाई कोर्ट में रिट जारी की है इसके लिए। हाँ। अपनी अदलिया से काबिले एहतराम अपनी अदलिया से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए इनके ऊपर, क्योंकि ये दोबारा किसी को बेटी को मार नहीं सके। इन लोगों ने मेरा कलेजा फाड़ा है, मेरी बेटी इन लोगों ने मारी है, मैं कहता हूँ कि बेटी नहीं मर जाए। की बैठी गोली मारे, इन्होंने मेरी बेटी को मारा, मेरा कलेजा पारा, मेरा छोटा का बेटा मकरूम का 2-4 दिन का, ये अपनी माँ के सीने पे नहीं लेट रखा है। खुदा इन लोगों को गरक कर दे, ऐसे लोगों को खुदा पे औलाद रखे, ऐसी औलाद से भी नहीं लवा के इन लोगों को। मैं चाहता हूँ पंजाब के वकील आला मुकल नकवी का भी एक्शन ले और हमें इंसाफ मिले, एक बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं क्या अपील करना चाहेंगी कि शायद कोई आपकी बात किसी के कानों तक पहुँचे और वो आपको इंसाफ दे? मैं तो सबसे पहले ये बात करूँगी कि यहाँ जो भी डॉक्टर बैठे वो कसाई हैं, मैं नहीं मानती वो डॉक्टर है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सर्जन है, उसके भाई ने कहा था जब रात को माफ़ी मांगने आया था, वो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे, मुझे वो अल्फाज चाहिए। कोई तो गलती इन्होंने जहाँ की है मेरी बहू के साथ, जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, जब कोई गलती नहीं हो पाती, हमारी गलती कोई भी नहीं है, लेकिन माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। खुदा के लिए वज़ीर आला पंजाब से कहती मेरी बेटी एक अक्सा मरी है, हर कोई अक्सा ना मरे। ये अक्सा की छोटी फूफो है, क्या जज्बात है आपके, क्या कहना चाहिए? मेरी बेटी को बस इंसाफ मिलना चाहिए। मैं मुंशी हॉस्पिटल पूरे 9 महीने लेके जाती रही और उन्होंने सबसे बड़े डॉक्टर ने भी कहा ये बीबी नॉर्मल है, बीपी शुगर हर चीज़ नॉर्मल है। और लास्ट टाइम पे भी जब हम लेके गए उन्होंने ये भी यही कहा कि बीबी नॉर्मल है, आप अंगूठा लगाए सहन करें, फिर मैंने किए। लेकिन लोगों ने, जालिम लोगों ने मेरी बेटी को मारा। वो बच्ची इतनी नाइस बच्ची थी कि जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हमें इंसाफ ना मिला, हम हॉस्पिटल को आग लगा देंगे, ये कह रही हूँ मैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। जनाब, यहाँ पर पूरा खानदान जो है इस वक्त इकट्ठा हुआ हुआ है, सरापा एहतजाज बना हुआ है, हर आंख जो है वो यहाँ पर नम है और हर दिल जो है यहाँ पर वो इस सकते की हालत में है कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। हम नॉर्मल एक पेशेंट अपना लेके जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए और वहाँ से उसकी मौत की खबर आ जाती है और सफाक इंसान जो है उनको जरा रहम नहीं आता और वो अभी भी वहां पे कसाब खाना जो है वो खोल के बैठे हुए हैं। न जाने कितनी बेटियों की वो जिंदगी और कितने खानदानों की वो जिंदगियां बर्बाद करने के लिए अभी भी वहीं पे मौजूद हैं और कोई उनकी रोकथाम के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। ये बूढ़ा दादा जो इस बच्चे का है वो उस छोटे से मासूम बच्चे को जो कि उसकी माँ के हाथ में होना चाहिए था, अब बेचारा ये पता नहीं कैसे पलता है, इसका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान है सारे बड़ों के लिए, वो चाहे वो बड़े दावे कर रहे हैं कि हम आपको इंसाफ देंगे, सेहत मिलेगी, तालीम मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, तो जनाब यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। ये बदकिस्मत लोग इस बात के ऊपर अब शर्मिंदा हो गए हैं और ये बुरे दिल से ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि काश हम पाकिस्तान में पैदा ना होते। हम कोशिश करते हैं उस हॉस्पिटल में जाके इन डॉक्टर साहब से बात करने की कि भाई तुम्हें जरा रहम नहीं आया कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ बन गया, दीन ईमान बन गया। नौसरबाजी क्या होती है, धोखा फ्रॉड क्या होता है, कातिल कौन होते हैं, ये सारी चीजें मिल मिलाकर इन पढ़े लिखे लोगों के अंदर यकजा हो चुकी हैं। अब तो मुझे लगता है कि एक्टिंग भी ये बहुत अच्छी कर लेते हैं कि एक मरे बंदे को जिंदा साबित करके इन बूढ़े माँ बाप के जज्बातों से खेल रहे हैं और उनको यहां से निकाल रहे हैं। जनाब मौजम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये डॉक्टर फारूक के भाई हैं। हजूर, इस केस के बारे में आपको पता तो होगा ये क्या हुआ है, आप इनके घर भी गए, सुना है आपने, कोई बात भी की इनसे कि जनाब वाकई के नुकसान आपका हो गया है? तो नॉर्मली आप ऐसे ही कोई केस ख़राब हो जाए या डेथ हो जाए तो आप उनके घरों में जाते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं कि जनाब आपका नुकसान हो गया, मिल बैठ के उसको रफा दफा कर लेते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल हुई है मेरे साथ, इनकी ऐसी बात हुई है। इन्होंने मुझे ये बोला है कि जो भी हुआ है आप मेरे भाई को माफ़ कर दें, जो बच्चे की कफालत है वो हम लोग करेंगे। मैंने इनको बोला कि मैं माफ़ नहीं करूँगा और ना मुझे बच्चे की कफालत चाहिए आप लोगों से, मुझे इंसाफ चाहिए सिर्फ। आप इंतजाम भी देखते हैं, मैनेजमेंट भी देखते हैं, माफ़ी मांगी है। पहली बात तो ये है जिस दिन इनका ये मामला हुआ है जी। मैं इधर था नहीं, ठीक है। दूसरा ये है कि चूँकि हम ऑन करते हैं इसको तो जाहिर बात है इसकी मैनेजमेंट भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उस दिन मैं यहाँ पे नहीं था। अच्छा, मेरी इनसे इनके साथ काफ़ी नाइतफाकी हुई है कि आपके जो आ जाए डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी हमारी। जी, अपना बहुत रंग बड़े रंग आले रंग नहीं देखे की साढ़े लोगों के रंग देखे कि रंग के ने साढ़े लोगों के खिले पैसे वाली बुटियां मारना बच्चियां मारना क्या जे जालम जायदाद नहीं लाए ना साढ़े की जायदाद लानी 18000 रुपए तुझे ऑपरेशन करा के खाना जो तू मेरी 30000 रुपए उठे बैठ जाओ आराम नाल तू में गल करेंगे गल सुनो ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਧਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠਾਕੋ ਬੱਚੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਧਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਉਹ ਠੰਡੇ